अंदर क्या हो रहा है सर? आपको जानकारी नहीं है लेकिन तैनात तो है, तो ये तो जानकारी होगा ना कि किसका तैनात तो रहना ही है सर। अच्छा, अंदर जाने का परमिशन नहीं है? नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। फिलहाल अभी हम पूर्णिया के फातिमा अस्पताल के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी पुलिस बल गेट पर आप देख सकते हैं, और ये नहीं समझना है कि यहाँ इस अस्पताल का सुरक्षा के लिए ये पुलिसकर्मी मौजूद है, बल्कि यहाँ पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है और कल ही पड़ा था, यानी 2 दिन हो चुका है। देखिए आप कतारबद्ध देखिए कितनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। ये सब गाड़ियाँ जो हैं ये आयकर विभाग की है। आप देखिए यहाँ भारी मात्रा में पुलिस बल भी बाहर तैनात है, और कहा जाता है कि यह फातिमा अस्पताल जो है ये डॉक्टर तनवीर आलम का है। और अभी तक का जो सूचना है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर का नकदी एवं काफ़ी मात्रा में जेवर और महंगे महंगे प्लॉटों का जो कागज़ है वो पकड़ा गया है। देखिए अंदर में ईडी का जो टीम है वो अंदर है, और किसी को भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आप देख सकते हैं कि गेट पर यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, और कोई भी फालतू का ना अंदर जा सकता है और ना आ सकता है। ये देखिए यहाँ पर पुलिस बल बाहर भी तैनात है, शायद अंदर भी जो आयकर विभाग की टीम है वो मौजूद है। आपको देखते हैं काफ़ी कतारबद्ध जो गाड़ियाँ हैं ये सब भागलपुर और पूर्णिया की संयुक्त टीम है, जो यहाँ पर आकर छापेमारी को अंजाम दे रही है। और कल से ही, लगभग कल 7 बजे से ही यहाँ पर आयकर का छापा चल रहा है, और पूरी रात यहाँ पर छापा चला है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो तनवीर आलम जी का जो ये अस्पताल है जिसका नाम है फातिमा हॉस्पिटल, ये दोनों पति पत्नी के द्वारा इसको संचालित किया जाता था। फातिमा जो उनकी पत्नी है और डॉक्टर तनवीर आलम के ही संयुक्त रूप से इसका संचालन, और इसके मालिक भी ये दोनों ही लोग थे। और अभी तक की जो सूचना है, अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर का नकदी बरामद किया गया है, और काफ़ी मात्रा में जेवर और जेवरात भी, साथ ही कई महंगे प्लॉट के कागजात भी हैं। और अभी तक जांच चल ही रहा है, छापा चल ही रहा है। देखिए अंदर किसी को भी बिना मतलब का अंदर जाने का परमिशन नहीं है, और कोई बाहर नहीं आ सकते हैं। फिलहाल चलिए देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल देखिए कितने यहाँ पे लोग मौजूद हैं, खास करके देखिए यहाँ पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकी भी गाड़ियाँ हैं, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, लगभग 10 की संख्या में गाड़ियाँ होंगी। और जो अभी तक छन के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है कि लगभग करोड़ों का नकदी बरामद किया गया है, काफ़ी मात्रा में जेवर और प्लॉट के कागजात बरामद किए गए हैं।